अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएम महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपने न्यूज़ आर्टिकल एपीआई का जो डाटा था उसको फॉर्मेट किया था और रिकॉल की स्टेट में सेव करवाया था, और अब वो तैयार है कि हम उसको यूआई में यूज़ कर सकें। और हमने उसको डमी तौर पे अपनी जो न्यूज़ ग्रिड आइटम का कंपोनेंट बनाया था उसमें यूज़ भी किया था। इस वीडियो में हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक इसको किया था, इस वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इस यूआई को इम्प्रूव करके ज़रा रिस्पॉन्सिव और प्रॉपर लुकिंग यूआई में कन्वर्ट करेंगे। ये काम हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, और आज की वीडियो में हम मेनली ये न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ फीड, इन दो पेजेस का जो काम है इसको ही यूआई को फाइनलाइज करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूंगा और इस पेज में हम आ जाएंगे। यहां से हमने आना है पेजेस होम दिस, और ये न्यूज ग्रिड पेज है यहाँ पर, और ये काम हो रहा है यहाँ। सबसे पहले यहाँ पे अब एक स्टाइल की फाइल ऐड कर लूंगा, स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसमें इंपोर्ट कर लूंगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इम्पोर्ट ये क्लास नेम न्यूज और इसको डॉट दिस विथ 90% सॉरी और मार्जिन 0 ऑटो, ये सेंटर में थोड़ा सा आ गया। उसके बाद इसको यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे आके वाई लेट्स से 4 काम है 6, ये ठीक है। और उसके बाद ये जो ट्रंकेट का टैक्स है उसको मैं कम करना चाहता हूँ, तो ट्रंकेट यहाँ पे हेल्पर्स ट्रंकेट में मैं 200 करेक्टर्स पे चला जाता हूँ। ओके लेट्स सी, 200 करेक्टर्स ही तो 180, और ये एटलीस्ट ऑलमोस्ट बेहतर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे इसमें मैं एक दो बटन्स ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि मैं इसमें ऐड करूँगा। दो बटन्स ऐड होंगे, एक तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को यहाँ से फाइनलाइज रिमूव करना चाहता हूँ ताकि वो ऑटो फिल्थ मैनेज करे, और यहाँ पर क्योंकि मैंने 6 कहा हुआ था इस वजह से ऐसे हुआ, अगर मैं 4 कह दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेगा। और मैं यहाँ पर गैप को लेट से 5 कर देता हूँ या 6 कर देता हूँ तो वो उस चीज़ को भी मैनेज कर देगा, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। इसके लिए मैं वापस यहीं पे हेल्पर्स में आ जाऊँगा और इसको लेट से 250 कह दूँगा क्योंकि अब हमारे पास जगह ज़्यादा है, और ये एटलीस्ट पहले से बेहतर लग रही है। और अब हम यहाँ पर आके मुझे इसमें दो बटन चाहिए, मैं यहाँ पे फ्लैग सेट कर लूँगा और उसमें एक बटन ऐड करूँगा जो कि होगा विजिट न्यूज़ यूआरएल, और इसका एक आइकॉन मैं ऐड करूँगा एक्सटर्नल लिंक आइकॉन ये, और इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा जो कि मैं इसको ये ग्रास कलर कैसे है, ओके नॉट बैड आइदस कलर कैसे है, ओके मैं इसके साथ जाऊंगा और एक यहाँ पे मुझे जस्टिफाई बिटवीन और अलाइन सेंटर ये चाहिए, और इसका मार्जिन टॉप जो है वो मुझे ऑलमोस्ट 4 चाहिए, ओके। और बेसिकली मार्जिन टॉप 4 ये ओके, लेकिन ये सारी चीज़ मुझे
ये जो है एक बॉक्स में चाहिए ऐसे, और ये फिर सारी चीज़, ये दोनों मुझे एक फ्लैक्स में चाहिए, फ्लैक्स ऐसे, जिसकी के डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो कॉलम होगी। और अब ये ठीक है, इसका मैं फ़ायदा अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि अब जब मैं इसकी मिन हाइट सेट करूँगा तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ये बेसिकली। और इसमें मैंने स्पेस नहीं कही, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, अब ये काम एटलीस्ट हो गया। और अलाइन यहाँ पर एक यही आ गया, इसका मैं जो साइज है वो कम कर लूँगा, टू, पहले टू था, वन, और एक मुझे बटन और चाहिए जो के लेट से उसको जनरली रखते हैं, और मुझे इसका आयरस का कलर अब अच्छा नहीं लग रहा, मिंट ऑरेंज पर्पल, पर्पल ट्राई करते हैं, ठीक है। और ये इसका कलर मैं ग्रीन रखूँगा, ग्रीन या कुछ मेन जो है, मतलब क्योंकि ग्रीन कहने के कॉलिंग कलर होता है, तो ठीक है। ये बेसिकली इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इसके साथ भी मैच हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आई आइकॉन व्यू, व्यू न्यूज़, इस पे जब क्लिक करेगा यूज़र, एक तो इसका जो कर्सर है पॉइंटर, ओके सर, ये नहीं अवेलेबल, मैं इसमें क्लास ऐड कर लेता हूँ, इस बटन में यहाँ पर आके देख लेते हैं कि ये बटन का कंपोनेंट है या जो भी चीज़ है। वैसे तो अगर हम सिंपल रखना चाहें तो इसको बटन को पॉइंटर कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं वो काम नहीं करूँगा क्योंकि वो कहीं और मसला ना क्रिएट करे, तो मैं यहाँ से पॉइंटर की क्लास ऐड करता हूँ ये। और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और एक चीज़ जो मुझे अभी जहन में नहीं है, तो मैं यहाँ से सर्च कर दूँगा, सी एस एस ग्रेट मेक आइटम सेम हाइट, उन्हें भी समझ लग गई है मेरे, क्या ये वैसे फ्लैक्स बॉक्स में चला गया, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, शायद इसमें मुझे बता दे। ग्रिड रो वन, ये फ्लैक्स दिस दैट, ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई मसले वाली बात नहीं, ट्राई कर लें। ये है, ये है, और ये है, इसमें मेरे ख्याल से ग्रिड लगा हुआ है, तो ये वन एफ आर शर्ट कहा था उसने, क्या आर एफ कहा था, क्या कहा था इसने, वन एफ आर, ये काफ़ी बुरा है कि मुझे ऐसे बार बार जाना पड़ रहा है इस पर, क्या था, ग्रेट ऑटो फ्लो में भी, या दोस्त था शायद। ओके, मेरे ख्याल से काम सही हो गया, क्योंकि अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ओके, इसमें है वैसे ये ग्रिड रो स्टार्ट वन टू, ग्रिड रो प्रॉपर्टी, ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो ऑटो, नहीं वो चीज़ नहीं है, तो क्लास नेम और रो फ्लो ग्रिड ऑटो रोज वन आर एफ, यहाँ एफ आर था, इक्वल कह लेते हैं, लेट्स सी। वेल, ग्रिड कॉलम
इक्वल हाइट। लेट्स सी, यहां पे आते हैं डॉट ग्रिड ऑटो रोज वन एफ आर। यहाँ पे इसमें आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा ताकि ये चीज़ कंफर्म हो सके। ये ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, इसकी बेसिकली जो हाइट है वो 100%। ओके, इसको फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इसको फर्क पड़ना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये कार्ड है, इसकी हाइट नहीं। क्लास नेम, क्लास नेम एच फुल। यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सी एस एस, और ये वैसे जेनेरिक सी एस एस है तो इसको मेन पे रखते हैं। वो आगे भी जो मैंने ऐड की थी वो भी काफ़ी जेनेरिक थी। हाइट 100%। ओके, ये ले, एटलीस्ट हमारा काम हो गया। लेकिन अभी सही नहीं हुआ क्योंकि मुझे बेसिकली ये जो आइटम, ये जो है इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो पूरी पूरी चाहिए, और ये होना चाहिए था वैसे ऑटोमेटिकली, कोई मसला नहीं। आइटम्स कंटेंट स्पेस बिटवीन, ओके कोई चक्कर नहीं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कोई चक्कर नहीं। जस्टिफाई आइटम्स स्पेस अलाइन आइटम्स, ये तो ये क्या है, कार्ड है। ओके, इसमें अगर मैं एज चाइल्ड लगा देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है उससे, उससे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसकी मुझे ज़रूरत है फिर क्योंकि अगर ये बॉक्स फिर ऐसे ही हो जाएगा रिटर्न एक किस्म का। ओके, बॉक्स रिमूव हो गया। यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि चले ये हो जाए एज चाइल्ड ये, और ये हो गया। इसकी हाइट जो है मैं हाइट 100% लेट से देते हैं, 100% देखते हैं क्या होता है। ओके, ये लो, चलो अचीव हो गया का। लेकिन उसे ये थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि 100% नहीं। ऑटो, ऑटो देख के देखते हैं। नहीं, मुझे बेसिकली ये फुल में चाहिए, और मैंने इसलिए फ्लैक्स को यूज़ किया था ताकि ये ऑटोमेटिकली उसको क्लियर कर लें। ओके, एंड इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रहने दो। अलाइन एंड इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको भी रहने दो। ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल तो रूल ही है। लेकिन अभी क्योंकि एग्जैक्टली जेन में नहीं आ रहा, इस वजह से ये है। इसको अगर मैं फ्लैक्स वन कह देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, ये इसको क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स लग रहा है, जो भी काम इसका सही होना चाहिए वो हो रहा है। ये फुल है, ये फुल हाइट ले रहा है। उसके बाद ये बॉक्स इतनी ले रहा है हाइट, और ये इतनी हाइट ले रहा है। अगर मैं इसका मार्जिन टॉप ऑटो कर दूं, मार्जिन टॉप ऑटो, यहाँ
नहीं वो भी नहीं, ये सिंपल सा एक। ओके सी एस एस फ्लैग्स कॉलम स्पेस बिटवीन, ये रहा ये रहा। इस चीज़ को फिर अभी के लिए मैं नॉर्मल फ्लो में जा रहा हूँ और उसके बाद फिर जब इसकी अभी के लिए इसके साथ ही फाइनलाइज कर दें, बाद में फिर देख लेंगे। यहाँ पे फिर मैं इसे कर रहा हूँ कॉन्स्ट ओपन न्यूज़ एक्सटर्नल यूआरएल ये, और इसके लिए अब मैं जो एपीआई यूज़ करूँगा वो कैपेसिटर की ब्राउज़र एपीआई है। आप सिंपल विंडो डॉट लोकेशन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये खेलेंगे ज़रा ना एपीआई एस सच। यहाँ पे आए, इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पर ऑन क्लिक ये यूज कर लिया, और यहाँ पे नेविगेट करवाना कॉन्स्ट नेविगेट टू न्यूज डिटेल पेज। यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट और नेविगेट, और यहाँ पे मुझे राउट्स चाहिए तो ऐप राउट्स डॉट अभी के लिए होम ऐड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जाके ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ न्यूज डिटेल। ओके ठीक है, न्यूज़ डिटेल जो के हो जाएगा स्लैश, और ये रिएक्ट राउटर v6 डॉट पैरेंट्स ये रहा न्यूज़ आईडी। इसके लिए अभी मैं एक पेज क्रिएट कर लूँगा न्यूज़ डिटेल, और यहाँ पर कॉन्स्ट न्यूज़ डिटेल डॉट फंक्शनल कंपोनेंट ये रिटर्न और डिफॉल्ट ये हुआ। और अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्ट दिस यूज पैराम्स और दैट्स इट। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ न्यूज आईडी कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो न्यूज आई डी इक्वल टू दिस। यहाँ पर इसे हम ऐप राउटर में ऐड कर देंगे, वहाँ पर इसे होम पेज के चिल्ड्रन में वैसे ऐड करना बेसिकली, क्योंकि वो फिर हो जाएगा कि ग्रिड शो करवानी है और वो शो करवाना है, तो वो बिला वजह की सर्कल तो होगी, इस वजह से मैं एक लेटा एलिमेंट एलिमेंट ये सारा कुछ
ठीक है, उसका फिर मैं थोड़ा सा ये भी चेंज कर रहा हूँ। न्यूज़ ताकि बेसिकली, क्योंकि जो कुछ होंगे जिनको थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके साथ काम हो सकता है, मुझे सिर्फ उसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर इस पेज पे है एग्जैक्ट मैच ये वाला है तो उसको आउटलेट में उस कंपोनेंट को शो करवाओ, अदरवाइज दूसरे को। लेकिन मैं लिटरली अभी थोड़ा सा इसको ना ज़रा ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसके साथ जा रहूँगा। न्यूज़ डिटेल ऑथेंटिकेट रिव्यू है, दैट्स इट। और यहाँ पर न्यूज़ डिटेल, यहाँ पे इसमें यहाँ आके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए राउट पेरेंट्स, जो के हो जाएगा न्यूज़ आईडी। ये हो गया, और इसको मैं ऑन क्लिक दिस, लास्टली एक हेल्पर फंक्शन चाहिए मुझे, इसी में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ब्राउजर नहीं, ब्राउजर ओपन, और इसके लिए मुझे चाहिए क्या, इंपोर्ट ब्राउजर एड कैपेसिटर ब्राउजर, यूआरएल स्ट्रिंग टारगेट ओके, इनम्स टाइप्स में आ जाए। यहाँ पे हाँ सॉरी, इनम्स में आना, जेनेरिक में देख लेते हैं। ले लिंक टारगेट, लिंक टारगेट इनम कहना था इसको। चलो ये हो गया, चल इसको देख लेते हैं एक दफा, क्लिक। और ये यहाँ पर आ गया, इसी तरह क्लिक, और ये यहाँ पे आ गया। ये दोनों ठीक हो गए हैं। जो इमेज है वो मुझे थोड़ी सी बस बड़ी चाहिए, यहाँ पर लेट्स से कि 250 में भी जी, एटलीस्ट पहले से बेहतर लग रही है, और ठीक है बस इतना। ये हमारी, अब नेक्स्ट इसको रिस्पॉन्सिव, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देख लेते हैं। ये बेसिकली इशू भी, इसका मैंने ट्राई किया, लेकिन इसको मैं बाद में ज़रा थोड़ी सी इस पर रिसर्च करके, ये सिंपल फ्लेक्सी इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन रेडेक्स यूआई में वो एटलीस्ट मुझे, मैंने ट्राई की है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इसको बाद में हम कर लेंगे। जो मैं इसमें एंड रिजल्ट चाह रहा था वो ये था कि अगर इसमें कोई स्पेस एम्प्टी होती तो वो दोनों के दरमियान आ जाती। नेक्स्ट, अब हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि जब हम इसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करें, एक मिनट, इस चीज़ को, तो एक स्पेसिफिक स्केल के बाद ये अपना जो है, जो ग्रिड साइज है उसको कम कर ले। लेट्स से कि 1500 के बाद मैं चाहता हूँ कि ये तीन आइटम्स एक लाइन में आ जाएं, उसके बाद 1200 के बाद
भी ये तीन ही रहें और 1,000 के बाद ये एक आइटम एक लाइन में आ जाए, तो उसको ट्राई करते हैं। उसके लिए होपफुली आपने गैस कर लिया होगा कि हम क्या यूज़ कर रहे होंगे। हम यूज़ करेंगे इस डेस्कटॉप, यूज मीडिया क्यूरी, मेन विड्थ 1500 पिक्सल, या लेट्स से इसको हम लेके जाते हैं 1300 तक, 1350 तक। और ये हमने आइटम में नहीं था करना, ये हमने उसमें करना है। ग्रिड जो न्यूज़ ग्रिड है इसमें, यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पे गेट करेंगे और इस चीज़ के थ्रू हम इसकी जो कॉलम्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। ये है अदरवाइज 3, ये हो गया। कम करते जाएंगे और जैसे ये ज़्यादा कम होगा तो ये 3 पे आ जाएगा। उसके बाद जब ये और काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, लेट से 1000 से कम, तो हम इसको और नीचे ले जाएंगे। कॉन्स्ट इस टैबलेट $9.99 और ये मैक्स वेल्थ होगी, या मैक्स वेल्थ 1000। ओके, इसको कर देते हैं मेन वेल्थ। अगर ये है तो ये ओके, अदरवाइज 2। और जैसे ही इसमें से कोई छोटा होगा ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद ये चलता जाएगा और हम 700 के नीचे जाके इसको कॉन्स्ट इस मोबाइल यूज मीडिया क्यूरी मैक्स वेल्थ 1000, फिर इसको भी मेन वेल्थ आप कर सकते हैं, मैक्स वेल्थ ही करते हैं 700 पिक्सल। ओके, ये और उसके बाद फिर ये ठीक है जितना के है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं और सही करना चाहूँगा वो ये है, इस आइटम में एक जो हमारे पास ये बटन्स हैं इसमें रैप को रैप पर सेट करेंगे ताकि ये नीचे आ जाए, दैट्स इट। और इसी के साथ हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपके सामने फुली रिस्पॉन्सिव ग्रेड आइटम्स बन गए हैं। और इसको हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। कॉन्स्ट ओके, जो के मेन वेल्थ 1600 तक रहेगा, 1650 लेट से। तो अगर ये है तो 5 हो जाए, अदरवाइज 4 हो जाए, नहीं तो कम हो जाए, होता जाए जितना बेसिकली हो सकता है। और इसको मैं 1600 तक ले जाऊंगा, या फिर 1600 से पर इसको 1700 पे ले जाऊँगा। जी ऐसे ठीक लग रहा है, 1700, और ये ठीक है, ये ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे न्यूज़ फीड की स्क्रीन।